आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधि पूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? ये उचित नहीं है एक योद्धा के लिए। हम क्षत्रियो को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था, पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है, राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय ये प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो, और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। भैया, बहुत सुंदर विचार है।